हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सिलेक्टर में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन जिसमें एक स्क्वायर बना हुआ है और उसके अंदर एक सर्कल है जो चारों साइड को टच कर रहा है और कॉर्नर पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसका डायमेंशन 20 और 10 है। सो दिस इज 20 एंड दिस इज 10 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जैसा हमने अभी देखा कि ये साइड 20 है, ये 10 है, ये R है यहाँ से यहाँ तक, ये भी R है, और ये एक स्क्वायर बन रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये पहले ही 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, और एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां से एक लाइन इस पर ड्रॉ कर दूं और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए तो ये भी 20 अपोजिट साइड हो जाएगी, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R माइनस 20 और ये हो जाएगा R माइनस 10। और अगर मैं इसको मिला दूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। अगर मैं इसका नाम दे दूं B, तो OA भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ हाइपोटेनियस OA का स्क्वायर, बेस OB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर होगा। OB रेडियस ऑफ द सर्कल है, देखो दोस्तों OA रेडियस है, तो R स्क्वायर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, OB R माइनस 20 है, और AB R माइनस 10 क्योंकि पूरा R है, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, आमने सामने की साइड इक्वल होगी। यहाँ से यहाँ तक अगर R है तो ये R माइनस 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक सामने वाली साइड AB R माइनस 10 हो जाएगा, R माइनस 10 का स्क्वायर होल स्क्वायर A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू R इंटू 20, B square is 20 square, R square minus 2 into R into 10 plus 10 का square। आप चाहे तो ये एक R square cancel कर सकते हैं, 2R 20 into 2 40R plus 400 plus R square minus 2 tens are 20R plus 10 का square 100 हुआ। So, R square 40 और 20 60 R, 400 और 100 500 is equals to 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 60 को आप स्प्लिट कर सकते हैं 50 और 10, R कॉमन ले लिया जाए तो R माइनस 50, 10 कॉमन ले लिया जाए तो R माइनस 50, R माइनस 50 कॉमन ले लिया जाए तो R माइनस 10, R की दो वैल्यू आएगी, या तो 50 या फिर 10। अब 10 नहीं हो सकता क्योंकि 20 तो यही है, तो R की वैल्यू 20 से तो ज्यादा है ही, सो R इज इक्वल्स टू 50। ये हो गया हमारा रेडियस 50 सेंटीमीटर। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पाइथागोरस ट्रिपलेट से अगर हम लोग करें, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, तो वो डायरेक्टली ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ये लाइन अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये R माइनस 20 है, ये R माइनस 10 है क्योंकि ये R है पूरा, और ये R है, तो R माइनस 10, R माइनस 20 और R, ये पाइथागोरस थ्योरम या
राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स अगर बन रही है तो यहाँ हम लोग ये सोच सकते हैं कि 10, 20 और R अगर इन साइड्स देखें 3, 4 और 5 और उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दे तो 30, 40 और 50 ये 20 लेस है और ये 10 लेस है तो 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि R की वैल्यू 5 हो जाए यानी R की वैल्यू 50 ये 30 और ये 40 इस तरह से आप सोच भी सकते हैं। ये इसका शॉर्टकट है। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।